हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम 2 मिनट सीरीज़ में, जो कि है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नीलगिरी ताहर के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम ताहर की बात करते हैं ना, ताहर इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर वाइल्ड माउंटेनस गोट्स। ठीक है, जो वाइल्ड गोट्स माउंटेन्स में मिलती हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है ताहर। अब नीलगिरी का मतलब है ये एंडमिक है नीलगिरीज पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंगुलेट्स की। अंगुलेट्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो हमारे पास इवन अंगुलेट्स होते हैं, ऑड अंगुलेट्स होते हैं, सब अंगुलेट्स होते हैं, जैसे एलिफेंट। ठीक है, सो दे आर अ टाइप ऑफ अ मैमल, हूफ्ड मैमल कहते हैं। ठीक है, तो ये मैमल है एंड इट इज़ एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स। एंड बेसिकली ये आपको 2 स्टेट्स में मिलता है नीलगिरी ताहर, तमिलनाडु और केरला के। ठीक है, सो मेजरली इट इज़ फाउंड इन द सदर्न पोर्शन ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, और आइबेक्स भी ताहर के लिए यूज़ होता है। वाइल्ड गोट्स, जो वाइल्ड माउंटेनस गोट्स होती है, उनको हम ताहर या आइबेक्स कहते हैं। सो नीलगिरी है तो नीलगिरी ताहर या फिर नीलगिरी आइबेक्स। देन इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज़ लार्जेस्ट अमंग द 3 ताहर स्पीशीज विच आर फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट स्पीशीज़ मानी जाती है टू ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट, क्योंकि एक तो रिमोट एरियाज़ में मिलती है, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड क्लिफ्स में मिलती है, और उसके बाद इसका थोड़ा सा शाय नेचर भी है नीलगिरी ताहर का। ठीक है, और उसके बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आइबेक्स इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर वाइल्ड गोट्स, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाहे इसका लोकल नेम है विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ वाइल्ड गोट, बट ये देखा गया है कि इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीशीज ऑफ द शीप ऑफ द जीनस ओविस। ठीक है, देन द आइबेक्स एंड वाइल्ड गोट्स ऑफ द स्पीशीज ऑफ द जीनस कैप्रा। ठीक है, तो शीप से ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, और अनटिल 2005 इट वॉज प्लेस्ड विद हिमालयन ताहर एंड अरेबियन ताहर। ठीक है, हेमी ट्रैगस में इसको प्लेस किया जाता था, लेकिन उसके बाद पता चला कि बिकॉज इट इज़ जेनेटिकली मोर सिमिलर टू द शीप स्पीशीज अंडर द जीनस ओविस, तो इसको फिर एक सेपरेट जीनस में, दैट इज नीलगिरी ट्रैगस में डाल दिया गया एंड इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द हेमी ट्रैगस एंड इट वॉज प्लेस्ड इन अ न्यू जीनस, क्योंकि ये है गोट लेकिन इट इज़ मोस्टली मोर क्लोजली रिलेटेड टू द शीप स्पीशीज एंड टू द गोट स्पीशीज। ठीक है, सो एक ये पॉइंट है जो हमें इसके बारे में जानना है। और ये अगर आप देखो, ऐसे हॉर्न्स होते हैं ताहर के, थोड़े कर्व्ड से होते हैं और सेक्शुअली डायमॉर्फिक है, कि मेल और फीमेल्स जो है काफ़ी फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको, अगर हम हैबिटेट की बात करें ना, तो ये आपको ओपन माउंटेन होता है पहाड़ों पे, ओपन माउंटेन ग्रासलैंड हैबिटेट में ये सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स रीजन। ठीक है, सो इट इज़ मेनली फाउंड इन द एलिवेशंस ऑफ 1200 to 2600 meters एंड देन दीज फॉरेस्ट ना, दे ओपन इन टू लार्ज ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये जो लार्ज ग्रासलैंड्स होते हैं विथ स्टंटेड फॉरेस्ट, इनको लोकली शोलास कहा जाता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा शोलास क्या होते हैं, एनसीईआरटी में भी हम पढ़ते हैं कि ओपन माउंटेन ग्रासलैंड्स इंटरस्पर्स्ड विथ स्टंटेड फॉरेस्ट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नीलगिरी ताहर मिलते हैं। और उसके बाद जब नीचे आते हैं ना, तो ये जो ग्रासलैंड्स है, दे आर सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट। ऊपर थोड़े स्टंटेड फॉरेस्ट होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो डेंस फॉरेस्ट हो जाते हैं। कंजर्वेशन की बात करें, IUCN के हिसाब से स्टेटस इंडेंजर्ड है और Schedule 1 है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है एराविकुलम, जो नेशनल पार्क है ना केरला में, वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। ठीक है, चाहे ये स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है, लेकिन तमिलनाडु से ज़्यादा आपको जो नंबर्स हैं वो केरला में मिलेंगे, एराविकुलम में। ठीक है, उसके अलावा ये अन्नामलाई हिल्स, पेरियार नेशनल पार्क एक्सेट्रा में भी मिलता है। अभी एक न्यूज़ आई थी बहुत जो इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि मुखुर्ति नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर इसका जो नंबर है 2 सालों से कंसेक्यूटिवली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। एंड सो देर हैज़ बीन अ 27% इंक्रीज ऑफ द ताहर इन द नीलगिरीज ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, और स्पेशली मुखुर्थी में। लाइक आई सेड कि नेशनल एनिमल, सॉरी स्टेट एनिमल ये तमिलनाडु का है, लेकिन नंबर्स केरला में सबसे ज़्यादा है। राइट, अगर हम मुखुर्थी की बात करें, तो मुखुर्थी जो था, दैट वॉज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ओनली नीलगिरी ताहर, और इसका नाम भी नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क ही था, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें मुडुमलाई, बंदीपुर, नागरहोल, व्यानत एक्सेट्रा आते हैं।
राइट. उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब PCS का, आपको पता है नोटिफिकेशन आई है एंड यू नो हमारा जो कोर्स है, तो हमने अपना जो कोर्स डिज़ाइन किया है एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में डिज़ाइन किया है कि आपका अनटिल यू नो 6 जुलाई तक आपका जो सारा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन कर सके, रिविजन कर सके, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनका ध्यान रख सके. ठीक है, सो ये हमारा कोर्स है, सो यू कैन हैव अ लुक, राइट. और उसी तरह से हमारा GS का कोर्स भी यही है कि हम एक तरह से 6 जुलाई को आपको पूरा कोर्स दे देंगे, चाहे वो GS हो चाहे वो CSAT हो, और उसके बाद आप अपनी हिसाब से रिविजन कर सकते हैं. कोई वीडियो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन इनरोल इफ़ यू वांट. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट sleepyclasses.com, वहाँ पे पंजाब PCS करके एक ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे आप जाके इनरोल कर सकते हैं. यू कैन इवन यू नो गेट ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ पंजाब PCS अलॉन्ग विद द आंसर कीज, राइट. सो मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू.